तो जब वो पैदा हुआ उस समय तो सरकार हम लोगों की बली, उस समय 3-4 साल का होगा, वो तो देखा नहीं है कि नीतीश कुमार को कैसा राजपाट मिला था काम करने के लिए, वो कहां से शुरू किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। जदयू की तरफ से वर्चुअल सेशन किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने करीब 24 मीटिंग का एक पूरा जो लिस्ट है वो तैयार किया था और आज वर्चुअल सेशन का आखिरी दिन है, यानी कि आज वो चार जिलों के अधिकारियों से और वहां के जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल सेशन के जरिए बातचीत करेंगे। और इस दरमियान मंत्री संजय झा ने इसका पूरा विवरण दिया है कि किस तरीके से और किस कारण और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल सेशन का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया है कि जो भी वोटर्स, नए वोटर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे तो उन्हें सरकार के बारे में वो पता नहीं है कि किस तरीके से कहाँ से नीतीश कुमार ने शुरुआत की, कहाँ से बिहार को उठाया और अब कहाँ तक ले जा कर पहुँचा चुके हैं और कितना काम उन्होंने बिहार के लिए किया है। तो इन सब की जानकारी जदयू अपने स्तर से उन युवा वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जदयू से कनेक्ट कर सकें और बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को वोट मिल सके। और भी क्या कहा है संजय झा ने, सुनिए। 24 मीटिंग टोटल था और 4 मीटिंग डेली था, ये छठा दिन है और 4 मीटिंग जो वो किए तो आज नॉर्थ बिहार से शुरू किए थे और पश्चिमी चंपारण से और अंतिम मीटिंग नवादा का है आज, जो शाम में 5 बजे, 5 से 6:30, अब 7 बज जाता है। और एवरेज हमको लगता है ये हम लोग जो हमारे जिला के साथी हैं, जो प्रखंड के हैं और बूथ पर जो साथी हैं, तो वो अलग अलग, कभी 10 विधानसभा था, कभी 6 था, कभी 7 था, अलग जैसा प्रोफाइल था जिला का उसी हिसाब से बनाया गया था। और 5,000 से 6,000 जो हमारे वर्कर हैं वो एक मीटिंग में थे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास लिंक है, लेकिन हम लोगों ने देखा मीटिंग में बहुत सारे साथी कुर्सी लगा करके भी, टीवी लगा करके भी लोगों को बैठा करके दिखा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे वर्करों के लिए था। और ख़ास करके मुख्यमंत्री जी ने जो अपना सारा बात रखा, वो अपने कार्यकाल का जो 15 साल के कार्यकाल का काम है उस पर लार्जली उन्होंने अपनी बात सारी रखी कि क्या काम उन्होंने इनिशिएट किया था, कहां से शुरू किया था इस बिहार में, कैसी परिस्थिति थी बिहार में। क्योंकि जो सोशल मीडिया में बच्चे भी मैं देख रहा था, या जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा वो तो 18 साल का होगा, तो जब वो पैदा हुआ उस समय तो सरकार हम लोगों की बली, उस समय 3-4 साल का होगा, वो तो देखा नहीं है कि नीतीश कुमार को कैसा राजपाट मिला था काम करने के लिए, वो कहाँ से शुरू किए थे। आज हम लोग डिजिटल की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री 2005 नवंबर में बने तो एक कंप्यूटर सीएम ऑफिस में नहीं था, रेमिंगटन टाइपराइटर पर काम होता था। आप समझ सकते हैं कि बिहार में कहाँ से वो काम शुरू किए और क्या परिस्थिति बनी है उसके बाद। तो इस सारी बात लोगों के बीच में मुख्यमंत्री जी रखते हैं।